तो जिसका ईडी और सीडी नहीं है वो सच्चा है, जिसका ईडी और सीडी है वो झूठा है, वो झूठ के साथ जाकर के खड़ा है। और मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूं और मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं महात्मा गांधी का, मैं ऋणी हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मैं ऋणी हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं ऋणी हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, सरोजनी नायडू का, मैं ऋणी हूं उनका कि वो अंग्रेजों से लड़ करके हमको आजादी दिलाए, मैं ऋणी हूं लाल बहादुर शास्त्री का, मैं ऋणी हूं इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कि जो आजादी हमारे पुरखों ने हमको दिलाई, जो आजादी हमको हमारे संविधान ने दिया, उस आजादी को ये लोग बचा करके रखे। इसीलिए तो एक साधारण नौजवान जिसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, वो आप तमाम लोगों के सामने माइक लेकर के इन तमाम नेताओं के सामने खड़ा होकर के भाषण दे रहा है। यह संविधान की ताकत है, यह उस आजादी के आंदोलन का इतिहास है कि आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन कैसे यह आजादी हमसे छीनी जा रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। कैसे नए तकनीक का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के झूठ परोसा जा रहा है और सत्य को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यह इतिहास नहीं बना सकते हैं। आपको मालूम है देश के जो पंत प्रधान हैं, जिनको हिंदी में हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इतिहास में फेल हो गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। वो इतिहास में फेल हो गए थे। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।